ईशा और एलिस ने अब बोल दिया है कि हम उस लेवल तक नहीं गिर सकते हैं। अब देखिए, हर एक इंसान की एक अलग पर्सनालिटी होती है। मेरी पर्सनालिटी अलग है, आपकी पर्सनालिटी अलग है, ईशा, एलिस, ईदन, अदिति, यामिनी, जो तीनों वाइल्ड कार्ड्स आई हैं, उनकी पर्सनालिटी अलग अलग है, पर दिखने में ये तीनों जो है काफ़ी ज़्यादा सेम नज़र आ रही हैं, जिसके कारण बाहरी दुनिया में भी लोगों को इनको पहचानने में प्रॉब्लम हो रही है और अंदर बैठे हुए सदस्यों को भी इनको पहचानने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। इनके आने में काफ़ी सारे बदलाव तो हुए हैं, बट ये बदलाव कब तक रहेंगे देखेंगे। ये भी तीनों जो है वो छुप जाएंगी या वैसे ही सब चीज़ें करेंगी या अपने पीछे सबको दौड़ाएंगी, ये तो देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। पर अब जो है अविनाश का कहना ये है ईशा और एलिस को कि भाई कोई भी कुछ बोलता है ना तो तुमको ना अब चुप नहीं बैठना है, तुमको भी बराबर का जो है उनको वापस देना है। तो ईशा का कहना ये है कि भाई हमारी पर्सनैलिटी वैसी नहीं है, हमारी मतलब कि हम उस तरीके के है ही नहीं कि किसी को इस तरीके से बात करें या लेवल पे गिरें, हमारा वो स्टैंडर्ड नहीं है, हम उस लेवल तक जो है वो गिर नहीं सकते। पर हाँ, इतना ज़रूर है कि जितनी बात हो सकती है, जितनी सेंसिबल तरीके से बात हो सकती है, जितना हमारी पर्सनालिटी है, जैसी हमारी पर्सनालिटी है वैसे हम बात ज़रूर कर सकते हैं। सही बात है, सब लोग अलग अलग तरीके की पर्सनालिटी रहते हैं। देखिए जैसे कि ईशा जो है, वो ईशा ने कशिश के साथ भी एक बार फाइट हुई थी, उसके बाद ईशा जो है कशिश के साथ एक्चुअली में लगी नहीं, क्योंकि कशिश भी जो है वो बहुत ही गंदे लेवल तक जो है वो गिरती है, और ईशा जो है वो ऐसी बदतमीजियां करती नहीं है, वो एक स्टैंडर्ड जो है अपना बना के रखती हैं। अब ईदन भी आ चुकी है, ईदन कितनी बदतमीजी से बात कर रही है, अविनाश के साथ इतनी बदतमीजी से बात की, तो उसके लेवल तक तो भाई ईशा जा नहीं सकती है। ये लोग लड़ाई लड़ाई में कितना कितना अजीब सा, ऐसे लोगों की ना पर्सनैलिटी अजीब सी होती है, बहुत ही एक अलग से वॉइस करके, एक अलग सा बॉडी लैंग्वेज करके अगर ये भी बात बोल देते ना शट अप, चुप रहे, तो वो बहुत ही मतलब कि दिल चीर देता है एक सही इंसान का, जो स्टैंडर्ड अपनी डिग्निटी जो है वो मेंटेन करके चलता है, उस बंदे को ऐसे लोग एक्चुअली में गवारा नहीं होते हैं, और वो स्टैंडर्ड उनका स्टैंडर्ड नहीं होता, ये लो स्टैंडर्ड है और वो ईशा का हाई स्टैंडर्ड है, ये दिखाई देता है, मुझे पता चलता है। क्या है आपका कहना बताइए ज़रूरी। इसी के साथ मैं लेती हूँ, नमस्कार।